आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जो तस्वीर है वो अब कहीं ना कहीं जदयू प्रदेश कार्यालय से जगह जगह से हटा दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के गेट के बाहर जो तस्वीर लगाई गई थी, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह की तस्वीर लगाई गई थी, तो कहीं कहीं वो अब हटा दिया गया है। जिस तरह से बात करें कि अब जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना दिए गए हैं, तो जगह जगह से जो तस्वीर थी ललन सिंह की वो हटा दी गई है। जिस तरह से कहें तो जो राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई थी ललन सिंह के द्वारा वो भी हटा दिया गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जदयू की राष्ट्रीय कमेटी बनाई है, जो कहीं ना कहीं जो ललन सिंह के जो करीबी हैं उन्हें अब छुट्टी कर दिया गया है जो राष्ट्रीय कमेटी से। और जिस तरह से कहें तो ललन सिंह के जो समय जो राष्ट्रीय महासचिव थे वो 22 थे, अब नीतीश कुमार उनके कई राष्ट्रीय महासचिवों को हटा दिए गए हैं। जितने भी करीबी ललन सिंह के नेता थे वो राष्ट्रीय कमेटी से हटा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहें तो ललन सिंह को अब जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। जिस तरह से बात करें कि अब तक जितने भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो कहीं ना कहीं अब वो पार्टी में नहीं रहे हैं, तो कहीं जिस तरह से ललन सिंह अभी तो पार्टी में फिलहाल है, लेकिन जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है तो लगातार जो कयासे लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह अब जदयू को छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से दरकिनार किए जा रहे हैं तो ये लग रहा है कि ललन सिंह को अब जनता दल यूनाइटेड है जो कहीं ना कहीं भाव नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वही तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जगह से तस्वीर हटाई जा रही है, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर गेट के दोनों गेट के बाहर में जो तस्वीर लगाई गई थी, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ ललन सिंह के, जो तस्वीर को हटा दी गई है। और जिस तरह से कहे तो आप ललन सिंह है जो अभी तक भी जदयू प्रदेश कार्यालय आते हैं, लेकिन जिस तरह से कहें तो अभी ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि अब ललन सिंह को जदयू ही दरकिनार कर देगी, अब ललन सिंह भी पार्टी को छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीर दरकिनार किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इतिहास बताया जा रहा है कि जदयू के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अभी तक नहीं रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हो या आरसीपी सिंह हो, कई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे वो नहीं जदयू प्रदेश जदयू में रहे हैं। तो जिस तरह से ललन सिंह को अब जो कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, तो अब पार्टी के तमाम जगहों से भी उनकी जो तस्वीर है वो हटाया जा रहा है। और जिस तरह से कहें तो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जो कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश दिखा जा रहा है। और जिस तरह से कहें कि जो राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई है उसमें नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं को रखे हैं, और जिस तरह से कहें तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वशिष्ठ नारायण के बनाए गए हैं। तो जितने भी जो राष्ट्रीय कमेटी थी ललन सिंह की वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं जो चेंज कर दिए हैं, और प्रदेश कार्यालय से भी अब तस्वीर है जो कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। तमाम खबरों में न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।